हमें स्टार्ट करना है डायरेक्ट क्लोज, तो डायरेक्ट क्लोज करने के लिए हमें ये लाइन खोलनी पड़ेगी। क्या लाइन है? चलिए सर बिल बना, तो दो चीजें होगी, या तो बिल बन जाए या तो उसका ऑब्जेक्शन आए। तो कितने लोग ये लाइन इस्तेमाल करते हैं सेंस के अंदर? और मेरे ख्याल से दूसरा डायलॉग हमें मारना है, सर आप पेमेंट कैसे करोगे, कैश में करोगे या ऑनलाइन करोगे? पूछते हैं बढ़िया। तो ये वाला डायलॉग सब लोग कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन करना है। क्या लिखा हुआ है? कौन सी चीज आपको चाहिए या कौन सी चीज का हम बिल बनाए, ये वाली प्रोडक्ट है या ये वाली प्रोडक्ट? तो दो ऑप्शन लास्ट में रखने और दो में से क्लियर करना, या दो तीन चीजें उनको चाहिए तो वो दो तीन चीजों को लेकर बात करें। कई बार एक क्लोजिंग अपनी छोटी प्रोडक्ट का हो जाता है और उसको चलती है और चाहिए दो तीन और प्रोडक्ट, तो हमें वहां पर रुककर पूछना है इसके अलावा और भी कोई चीज आपको चाहिए सर, या किसी और के लिए कुछ देखना है सर, नहीं तो कई बार क्या उधर ही क्लोज हो जाता है। ये सारे टेक्निक्स है जो मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ, नए तरीके पहला वाले जो तरीके बताए वो सारे इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कम लोग तो यूज कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, फायदे किमतें ऊपर हमें समराइज करना है और एक क्वेश्चन हमें डालते हैं साथ में, क्या डालना है, क्या ये प्रोडक्ट जो है उसको फाइनल करके साइड पर डालते हैं, डन करते हैं, क्या और भी कोई चीज आपको देखनी है? फिर लास्ट वाला एक मानना है क्वेश्चन हो गया है, जैसा आपने बताया आपका जो ड्रेस है उसके साथ ये वाले ब्रेसलेट मॉडल डिजाइन है जो बहुत सूटेबल रहे, तो ये वाले पैक करवाना चाहेंगे, करवा दूं मैं? जब तक मानोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ये हमें मैं खाली ड्रेस नहीं आना चाहिए, और हम ये चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो या तीन सबसे सूटेबल प्रोडक्ट जो है उसको शॉर्टलिस्ट करवाओ, दस चीजें देखते लेकिन उसको अभी भी एक पसंद नहीं आया तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करवाना स्टार्ट कि ये वाला या ये वाला, पर लास्ट में दो ऑप्शन रख के दो में से किसी एक को क्लोज करो। वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हो, सर इस प्रोडक्ट पर ये ऑफर है और इस सप्ताह के लिए है, अगर आप अभी लेते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा ऑफर के बेनिफिट आपको देखने पाओ या आपको मिलेगा। हो सकता है वो सोच रहा है कि एक महीने के बाद होगा, दो महीने के बाद होगा, अभी मैं खाली देखने के लिए देखा, तो उसी टाइम पर हो सकता है वो टोकन अमाउंट देंगे या जो भी अमाउंट देके अपना बुक करवा लो, जब ये वाली लाइन हम इस्तेमाल करेंगे। सो जाने के बाद भी हमें कुछ चीजें करनी है, जैसे कि एक सेल्स पर्सन अच्छा ये होता है जो सेल होने के बाद भी कस्टमर के साथ 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम स्पेंड करता है, और वो टाइम स्पेंड करने के टाइम पर इतनी चीजें करता है। सबसे पहला क्या करना है कि सेल्स जो हो गई है प्रोडक्ट या जितनी भी देखी है प्रोडक्ट उसके अंदर लास्ट मिनट में क्या करना रहता है, कंसल्ट करना रहता है और एडवाइस करनी रहती है, और कंसल्ट एडवाइस करने का मतलब उसको क्लोजिंग करने में मदद करनी रहती है, हेल्प करनी रहती है। सेकंड चीज क्या आएगी, सजेस्ट हमें करना है कि एक प्रोडक्ट अगर उनकी फाइनल हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग बाकी की और चीजें वो इसके साथ क्या ले सकते हैं, या क्या इसके साथ आप सुनते पर और भी चीजें आप ले पाओ। तो एक क्लोज होने के बाद दूसरे ऑप्शन ओपन कर रहे हैं, फिर क्या रहेगा, रिमाइंडर करना है कस्टमर को स्पेशल ऑफर कौन सा है,
कि आज की स्पेशल ये ऑफर है और उसके साथ आप चीजों को क्लोज कर पाओ। चौथी चीज क्या करनी है, लाइफ टाइम वैल्यू फॉर कस्टमर। कस्टमर को लाइफ टाइम अपने वहां से ही चीजें लेनी पड़े, उस तरीके का रेपो उसके साथ बिल्ड करना है कि उसके नियर एंड डियर में जितने लोगों को चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करें। बिल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना है। फिर वो बंदा पर्सनल इन प्रोडक्ट को खरीदने के बाद क्या वो आपका नाम याद रख पा रहा है, या क्या आपके नाम के साथ वो दोबारा अपने वहां खरीदने के लिए आ रहा है, तो उस लेवल का रेपो आपको कस्टमर के साथ अपना बिल्ड करना है। और लास्ट में एक फुल मंत्र में देकर इस प्रोजेक्ट को या ये सेशन को अभी हम वाइंड अप करेंगे। कस्टमर्स को लेकर और सेल्स पर्सन को लेकर एक थंब रूल है, और लास्ट में एक बोनस में आपको देना चाहूंगा। इसके अलावा जितनी चीजें याद रखा, तो जितनी बातें अभी तक हमने की वो सब क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? क्लियर है? तो लास्ट में एक आपको बोनस में देकर जा रहा हूं। सेल्स पर्सन को ये चीज ऑलवेज याद रखनी है, कस्टमर फर्स्ट बाय यू। कस्टमर फर्स्ट बाय यू देन बाय योर प्रोडक्ट। आपने अपने आप को कस्टमर के सामने नहीं बेचा तब तक कभी भी आपकी प्रोडक्ट कस्टमर लेगा नहीं। पसंद आने चाहिए, प्रोडक्ट बाद में पसंद आती है। जबकि सेल्स पर्सन मारते हैं उल्टा, वो प्रोडक्ट दिखाते जाते हैं अपने आप को बाद में, जबकि कस्टमर बोलते हैं प्रोडक्ट सब साइड पे, आप आगे। तो हमें अपने आप को बेचने का मतलब क्या, हमें कस्टमर के साथ पे उस तरीके का रेपो बिल्ड करना है कि कस्टमर को अपने साथ खरीदने में मजा। Clear? Satisfy customer is the best business strategy for all. For a sales person की responsibility है customer को satisfy करवाए। अब हम आगे सेशन के अंदर जितनी भी बातें आज के दिन में हमने सीखी, जानी, समझी, उसको एक बार सुनाया। हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी हुई है और सबने अपना नाम लिखा हुआ, तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न मिलने वाला है और वो सरप्राइज है। ओके, सो अब समराइज कर लेते हैं हम चीजों को और वहां पर हम बात करेंगे कि आज के दिन के अंदर हमने क्या सीखा। कस्टमर को लेकर एज अ सेल्स पर्सन क्या हमें ध्यान रखना है जो कस्टमर के लिए जरूरी है, तो थंब रूल हमने देखे। फिर हमने क्या सीखा, कस्टमर जो है उसके डिसलाइक क्या है और कौन सी मिस्टेक एक सेल्स पर्सन करता है जाने अनजाने। तीसरी चीज हमने क्या देखी, कितनी तरीके का नॉलेज एक सेल्स पर्सन के पास होना चाहिए। मेरा ये सवाल है आपको, कितने नॉलेज के बारे में आज हमने बात की। फिर क्या हमने देखा, सेल्स करने से पहले की तैयारी, उसके बाद हमने देखा सेल्स करने के टाइम की तैयारी, और उसके बाद हमने देखा सेल्स को करने की बात। तो सबको सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है ना? तो अब हम सब लोग मिलकर एक गेम खेलेंगे।